हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल एंड थर्ड इज द एंजल आंसर्स। ठीक है, तो हम तीनों को देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, चलो तो कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं यहाँ पे। दो कार्ड्स तो हमने ले लिए हैं, ये हैं थर्ड, ये हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट और नाइन। ठीक है, तो नौ कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, देखते हैं नौ कार्ड्स हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, वेल जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है द डेविल कैप्रिकॉर्न। प्रथम स्थान पे ये कार्ड आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन देन, है ना? दोपहर के वक्त डेविल फर्स्ट पोजीशन पे, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो बहुत सारी अभिलाषाएं अपने मन में इकट्ठा किए हुए है। मे बी द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट बोथ ऑफ यू। यहाँ पे फिजिकल एस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लाइक आपसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, या फिर आपके हाथ हाथ में लेना चाहते हैं, कहीं पे घूमना चाहते हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी या फैंटेसी भी यहाँ पे हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच परेशानी चल रही है, तो उसके कारण भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है और वो सारी जो चीज़ें हैं या फिर गलत फहमियाँ उसे दूर करना चाहता है, ताकि आप दोनों वापस से एक पहले जैसा हैप्पी कपल बन जाए। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में एंड बहुत कुछ चाहता भी है, लेकिन आप उनको कितना प्रतिसाद देते हो, क्या आप उनकी हाँ में हाँ भरते हो, या फिर आपके कुछ अलग सवाल है जिसके कारण ये पर्सन थोड़ा सा सोच में या असमंजस अवस्था में हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों फाइनली मिले बैठें एंड जो भी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को परेशान कर रही हैं उसके बारे में कोई बहुत ही अच्छा समाधान ढूंढ निकाले। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द हर्मिट, यानी कि द वर्गो। वर्गो में हमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन चाह रहा है कि बहुत ही अच्छी दिशा मिल जाए आप दोनों के रिश्ते को या फिर आप दोनों के जीवन को। कई बार ऐसा होता है कि प्यार में थोड़ी सी अनबन होती है, फिर फ्रेंडशिप होती है और फिर प्यार होता है, यू नो? या फिर कई बार हम कहते हैं कि नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों आपस से बात कर पाएंगे, और सेकेंड मिनट में हम बात करना शुरू करते हैं। तो कई बार सही सिचुएशन का सामना हम सही तरीके से नहीं कर सकते, या फिर कई बार गलत गाइडेंस की वजह से हम गलत फहमियों का शिकार होते हैं। तो ये ना हो, इसलिए पर्सन चाह रहा है कि एक अच्छा डायरेक्शन आप दोनों को ही मिल जाए। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे द मून, यानी कि द पाइसिस का साइन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि मीन राशि। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये पर्सन इस नतीजे पर पहुँचा है, कहीं ना कहीं पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगर आपको ये चांद दिख रहा है तो यहाँ पे दो वुल्स आपको दिख रहा है, एक है सफ़ेद और एक है ब्लैक। ये मन की गहराइयाँ दर्शाते हैं। कई बार किसी को लगता है कि नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कहीं किसी को लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो ऐसे में ये मन की अवस्थाएं हैं, और मन की अवस्थाएं बहुत चंचल होती हैं, आप इसे कभी भी स्टेबल नहीं कर सकते, और इसलिए पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे से बातें करें। नाइन ऑफ वांड्स यहाँ पे, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई मूव हो जाए, आप इनको खुद कॉल करें, आप इन्हें मिलने के लिए आ जाओ, और फिर ये आपसे बातें करेगी, हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तो आप दोनों इसका समाधान कैसे निकलने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड बहुत ही खूबसूरत कार्ड। अगर हम इसकी देखें, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इनकी कल्पनाएं हो सकती हैं, या फिर ये कभी आपकी हकीकत थी जो अभी आप पराए कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि भाई सब कुछ सही हो रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है ये कहने के लिए कि आप दोनों ही खुश हैं। तो खुशी जो है आपके दिल में है, संजो करके रखी हुई है और कहीं पे भी जाने वाली नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसे इग्नोर करते हैं और फिर हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। नाइन ऑफ कप्स जो कार्ड है, आप सॉरी सिक्स ऑफ कप्स जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि कैसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे का समाधान निकालेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। थर्ड पर्सन को ये हेल्प करे ना करे, फिर चाहे आपका दोस्त हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपकी फैमिली हो,
वो आपकी हेल्प कब करेंगे नहीं करेंगे, इससे अच्छा अगर आप कपल बन के चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करने की ये सही मोमेंटम, सही दिशा अभी आपको मिल चुकी है, तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज लियो सैज बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है, जहाँ पे हम मोस्टली एक मैरिज की तरफ लुकआउट करते हैं। ये जो कार्ड है यहाँ पे आप दोनों की जो रियलिटी है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो सुनहरा भविष्य देखिए, और उसकी तरफ ही आप दोनों को जाना चाहिए, जा भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप रुक गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास थोड़ा सा उड़ गया है, या फिर आपको लग नहीं रहा है कि जैसा ये पर्सन सोच रहे हैं बिल्कुल आप भी वैसा ही सोच रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि अगर आपके दिलों में वही जज्बात है तो अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से बस प्यार कन्फेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कप्स एंड एसेस स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पे पर्सन अपनी सारी अभिलाषाएं, सारी थिंकिंग जो है वो लेके बैठा है, और उसके हिसाब से बहुत जल्द ये मोमेंट आना चाहिए जहाँ पे आप दोनों मिलके एक दूसरे के प्रति अपने जज्बात क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द ओरेकल। या गया फर्स्ट, या गया सेकेंड कार्ड, या गया थर्ड कार्ड, ये आ गया फोर्थ कार्ड, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ चार ही कार्ड लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। चलो सारे कार्ड स्ट्रेट हैं। जो पहला कार्ड है वो है बिलीव का कार्ड, नंबर 11, बिलीव। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों का जो बिलीव सिस्टम है एक दूसरे के ऊपर का या फिर रिश्ते के ऊपर, वो अगर कमज़ोर पड़ चुका है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की सख्त ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन हमें कुछ कहता है, फिर चाहे हमारा फ्रेंड हो या फिर कोई कहता है कि हम आपके वेल विशर है, और हमसे कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हम सोचने पड़ जाते हैं कि क्या सच में ये रिश्ता मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं तो इतना कर रही हूँ, क्या वो इतना ही कर रहा है रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे बिलीव सिस्टम जो है वो ढह जाता है। इसलिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि बिलीव स्ट्रांग रखना है, कोई चाहे कुछ भी कहे, जब तक आपका यकीन नहीं हो जाता आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। सेकेंड जो कार्ड है भाई अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी यहाँ पे आपको पाने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर अथॉरिटी लाने की ज़रूरत है। इफ़ यू लव समबडी, किसी को अगर आप प्यार करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं कि वो जैसे चाहे वैसे बिहेव करे, मनमानी ना करे, ठीक है। आप भी अथॉरिटी रखते हैं इस रिश्ते में, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो रहा है या नहीं ये देखना आपका लुकआउट 100% होता है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है नंबर 2, सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑरेंज फ्लावर जो हमें दिखता है ना कि हमारे जो अभिलाषाएं हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। आपकी कौन सी अभिलाषाएं इस रिश्ते में आके पूर्ण हो चुकी हैं और कौन सी अभिलाषाएं रह चुकी हैं, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फोर्थ कार्ड है वो है एम्पावरमेंट, नंबर 26। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप इस रिश्ते को एक सुनहरा भविष्य दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो रुकावटें आ रही हैं, तो आपको इसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चार कार्ड हमने निकाले हैं फ्रॉम द एंजल आंसर्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है नो नीड टू वरी, यानी कि भाई आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, समाधान आपको तुरंत मिलने ही वाला है, इनफैक्ट वो आपके सामने ही हो सकता है, लेकिन आप शायद उसको ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि ये चश्मा जो होता है हमारे सिर के ऊपर होता है, लेकिन हम सभी जगह ढूंढते रहते हैं, वैसे ही समाधान आपके बिल्कुल सामने है, आपको बस उसे ढूंढना है। सेकंड जो कार्ड है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ, पहले अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। हेल्थ का मतलब सिर्फ कि फिजिकल हेल्थ नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ भी है, आपकी इमोशनल हेल्थ भी है। अगर आप इमोशनली बहुत ड्रेन होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, तो आपको ये करने से बचना है, आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बनाना है आपको। थर्ड जो कार्ड है वो है इन द नियर फ्यूचर, है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ सभी चीज़ें अच्छी कब हो जाएंगी, हो सकती हैं होने वाले, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर, यानी कि बहुत ही जल्द जो आपका भविष्य है वो और भी बेहतर सुनहरा कल आपको मिलने वाला है, लेकिन कुछ वक्त के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो फोर्थ कार्ड है वो है यस, कि अगर आपको लग रहा है कि यस क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो हाँ आप सही रास्ते पे हो और सही रास्ता आपको दिख रहा है, जगमगा हो रहा है। पिता रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट, थैंक यू।